आज AEW डायनामाइट पे जॉन मॉक्सली ने ब्रूटली अटैक कर दिया केनी ओमेगा को, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज शो की स्टार्ट ही होती है लांस आर्चर वर्सेस एडी किंगस्टन की मैच से। तो मैच जब स्टार्ट हुआ मुझे लगा दोनों हट्टे घट्टे काफ़ी देर तक स्लो पेस में चलेगा, लेकिन यह मैच बहुत ही फास्ट पेस पे चला और यहाँ पर एक दूसरे पे यहाँ पर नकल शकल मार रहे हैं, पंचेस मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर जेक रॉबर्ट्स आ जाते हैं इंजर्ड, क्योंकि उनको अटैक किया होता है द वचर एंड द ब्लेड ने, और इसको देख के यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं लांस आर्चर और इसका फ़ायदा देते हैं और एडवांटेज लेके विन ले लेते हैं यहाँ पे एडी किंगस्टन। और यह मैच बहुत ही अच्छा था, मैं रिकमेंड करूँगा आप अगर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लें इस मैच को। और यहाँ पर मैच के बाद भी यहाँ पे एडी किंगस्टन ने अटैक करते रहे लांस आर्चर पर, और इस तरीके से ये मैच ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली की तरफ से प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर जॉन मॉक्सली कंपेयर करते ऑल एलीट को ही ऑल वांटेड इन हिज लाइफ, एंड एलीट मतलब यंग एंड रेसलेस, यही बोल के इस प्रोमो कट करते। इसके बाद बैक से जब हमें देखने को मिलते एक प्रोमो जहाँ पे डार्बी एलन एंड स्टिंग रेस्पॉन्ड कर रहे थे टैज एंड हिज टीम को, एंड उनको बोल रहे थे हुडम्स एंड दे आर एडमिटेड दे आर स्टूपिड, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स बोल रहे थे। और इस तरीके से ये दोनों यहाँ पे पीछे विंडो यहाँ पे तोड़ रहे थे, और इस तरीके से यहाँ पर यह सेगमेंट ख़त्म हो जाते हैं। काफ़ी बढ़िया सेगमेंट था AEW की तरफ से। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है MJF एंड क्रिस जेरिको वर्सेस ब्रायन फ्लिपिंजर एंड ग्रिप गैरिसन इन ए टैग टीम मैच। तो इस मैच में एंड में यहाँ पर जूडास इफेक्ट लगा के क्रिस जेरिको ने अपने टीम के लिए मैच यहाँ पर जीत लिया, और एंड में हमें देखने को मिलता है कि इनर सर्कल यहाँ पर एक सर्कल होकर एक इस विन को सेलिब्रेट कर रहे होते। इसके बाद रिंग साइड पर आते हैं कोली रोल्स विथ आर अंडरसन, और यहाँ पर वो रेस्पॉन्स कर रहे होते शैक एंड जैड गेबल को, लेकिन तभी आ जाती है रेड वेलवेट एंड यहाँ पे वो बोलते कि जैड इज एन एफ एंड बीच, एंड यहाँ पर उनसे वो एक मैच चाहती है एट समवेयर एट AEW पे-पर-व्यू। तो यहाँ पर रेड वेलवेट एंड जैट कारगिल के जो फ्यूड है मुझे तो कोई इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता, क्योंकि उस फ्यूड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का कोई भी। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलते हैं हैंगमैन एडम पेज वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के जो ब्रदर है रायन नेमथ इन एन वन एंड वन कंपटीशन, और यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज ने थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर जीत ली है मैच। एज ए रेसलर मैं बोलना चाहता हूँ अच्छा मैच था, यहाँ पर पहला मैच था रायन नेमथ का, हमें उनको जज नहीं करना था, लेकिन अच्छा मैच दिया। इसके बाद रिंग साइड पे आते मैट हार्डी, और वो यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को बोलते हैं कि वो डिजर्व करते हैं बेटर देन डार्क ऑर्डर, और वो उनके एक मतलब क्या बोलते हैं संबोधन करते हैं कि वो आए उनके टीम में, और इस तरीके से सेगमेंट ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है जंगल बॉय वर्सेस डैक्स हार्डवुड का, और रिंग साइड पे होते हैं जंगल बॉय के साथ लुचासोरस, और उनको यहाँ पर हैंडकफ कर देते हैं कैश व्हीलर एंड टूली ब्लैंचर्ट। और इसके बाद से मैच काफ़ी फास्ट पेस से स्टार्ट हुआ, दोनों एक दूसरे बैक एंड फोर्थ एंड मार रहे हैं, और काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव भी हमें देखने को मिल रहा था जंगल बॉय की तरफ से, और यहाँ पर एंड में जंगल बॉय हरा देती है डैक्स हार्डवुड को, और इस रिजल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। मुझे लगता है यहाँ पर जंगल बॉय एंड लुचासोरस वर्सेस टीम FTR की फाइट अभी भी मतलब चलेगी कुछ हफ्तों तक, देखते हैं एंड में क्या होता है। लेकिन इस मैच के बाद यहाँ पे टूली ब्लैंचर्ट और कैश व्हीलर और डैक्स हार्डवुड अटैक कर रहे होते लुचासोरस पर, ब्रूटली अटैक किया लुचासोरस पे, पाइल ड्राइवर भी मारा टूली ब्लैंचर्ट ने ऊपर से कूद के, और इस तरीके से ये सेगमेंट खत्म हो जाती है। इसके बाद बैक से हमें देखने को मिलते हैं टीम स्टैग यहाँ पे स्टिंग एंड डार्बी एलन को मार्केटाइज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर टीम स्टैग एक वार्निंग भेजते बिफोर देयर स्ट्रीट फाइट एट रेवोल्यूशन। तो ये सेगमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ गया सेगमेंट देख के। इसके बाद मैच देखने को मिलते हैं डॉक्टर ब्रिट बेकर वर्सेस शाना इन वन एंड वन मैच। मुझे पता नहीं शाना कौन है, लेकिन यहाँ पर एंड में यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने सबमिशन लगा के यहाँ पर जीत लिया शाना के ऊपर,
और इसके बाद हम और भी डैमेज कर रहे थे थाना को, लेकिन तभी आ जाते हैं थंडर रोजा और ये पर वो चेस करते बिग बेकर को एंड रेवल को, और इसके बाद ये दोनों भाग जाते हैं क्योंकि अब एक हफ्ते बाद ही मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक डॉक्टर ब्रिट बेकर एंड थंडर रोजा, तो उसके लिए भी बिल्डअप था। इसके बाद बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं पर एमजेफ एंड सैमी गवेरा दोनों एक दूसरे से बात करें और एमजेफ सैमी से पूछते कि इज ही श्योर ही वांट्स टू प्ले इन दिस वे, और ये पर गरेला रिस्पॉन्ड करते ही इज नॉट प्लेइंग, और इस तरह से दोनों एक दूसरे को स्टेयर डाउन करते हैं। इसके बाद बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं कि यंग बक्स डॉन कैलिनस गुड ब्रदर्स इन किनी उमेगा यहाँ पर बात कर रहे थे, और यहाँ पर यंग बक्स डायरेक्ट बोल देते डॉन कैलिनस को कि वो नहीं चाहते इस मैच में डॉन कैलिनस यहाँ पर इन्वॉल्व हो या कुछ भी डिस्ट्रक्शन यहाँ पर करे। और इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है द यंग बक्स एंड द गुड ब्रदर्स वर्सेस यहाँ पर डार्क ऑर्डर, और यहाँ पर मैच काफ़ी अच्छे स्लो पेस पे स्टार्ट हुआ लेकिन मिडिल में तो मैच पेसअप किया और काफ़ी हाई फ्लाइंग मूव भी हमें देखने को मिल गया डार्क ऑर्डर की तरफ से, लेकिन उस मैच में यंग बक्स एंड गुड ब्रदर्स ने पूरी तरीके से अपन डोमिनेशन कर रहे थे डार्क ऑर्डर के ऊपर, एक दूसरे को पाइप पर पाइप ड्राइव मार रहे, सुपर्स मार रहे, और यहाँ पर एंड में यहाँ पर गुड ब्रदर्स एंड यंग बक्स ने जीत लिया है मैच ओवर डार्क ऑर्डर। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर यंग बक्स माइक लेते और यंग बक्स बोलते कि नेक्स्ट वीक जब टैग टीम बैटल रॉयल होगा और जो भी टीम वो मैच जीतेगा उनको मौका मिले यंग बक्स के साथ एक टाइटल शॉट के लिए एफ्टर रेवोल्यूशन, लेकिन अगर यंग बक्स जीते तो वो चूज करेंगे उनको किसके साथ फेस करना है एफ्टर रेवोल्यूशन, और गुड ब्रदर्स की तरफ स्टेयर डाउन कर रहे थे। और यहाँ पर रिंग में अचानक से आ जाते रे फिनिक्स एंड यहाँ पे वो यंग बक्स के ऊपर अटैक कर देते, और इसके बाद गुड ब्रदर्स ने अटैक कर दिया यहाँ पर रे फिनिक्स के ऊपर, लेकिन उनको बचाने के लिए आते हैं जॉन मॉक्सली, और एक बार जॉन मॉक्सली पूरी तरीके से ब्रूटल अटैक करने की कोशिश कर रहे थे गुड ब्रदर्स के ऊपर, लेकिन तभी अंदर से आते केनी ओमेगा और एक बार दौड़ के आते केनी ओमेगा और एक बार रनिंग यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया जॉन मॉक्सली ने केनी ओमेगा के ऊपर, तो बढ़िया एक पैराडाइम शिफ्ट था। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली यानी यहाँ पर रे फिनिक्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इस सेगमेंट की, और इस तरीके से AEW डायनामाइट की शो ऑफ ईयर चली जाती है। तो मेरे हिसाब से आज का शो बहुत ही बढ़िया था, मस्ट वॉच शो था, मुझे काफ़ी मज़ा आ गया है शो को देख के। देखते हैं फाइट बीच ब्रेक में यहाँ पर कैसे इन चीज़ों को बुक किया जाता है और आगे की चीज़ों के लिए कैसी प्रोग्रेशन होती है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि बीच ब्रेक में यहाँ पर मैच देखने के लिए गुड ब्रदर्स एंड केनी ओमेगा वर्सेस रे फिनिक्स जॉन मॉक्सली एंड हैंक पार्क। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।